हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप के ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक है, कैसे स्टार्ट करना है और क्या टॉपिक एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में देखो, क्वेश्चन तुम्हारा ये फॉर्म में आएगा, लीडरशिप का सवाल आएगा। तो बहुत बड़ा चैप्टर दिया है, ये लिख के आएगा। किधर है रे? इधर है। लीडरशिप का स्किल्स आएगा, यह स्टाइल आएगा, तो ये आंसर तुम लोग लिख सकते हो। ये आंसर कॉमर्स में भी है, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे लीडरशिप। तो लीडरशिप एक वो एक्टिविटी होती है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कराता है ताकि वो उसका टारगेट अचीव हो जाए, ताकि वो गोल पे ध्यान दें, है ना। तो लीडर के पास एबिलिटी होता है टू सिक्योर डिजायर एक्शन, एक्शन करता है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, उसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं। यूट्यूब इंस्टाग्राम वाला फॉलोअर नहीं है, वो नकली है सब। असली लीडर वो होता है कि जो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो काम बोले उसके सबॉर्डिनेट्स के काम करते हैं। तो लीडर तुमको कंपनी में मिलेंगे, इंडस्ट्री में मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, नेता लोग होते हैं, वो इंडस्ट्री एक्टर लोग हो गया, डायरेक्टर, दे आर द रियल लीडरशिप। ओके, तो लीडरशिप के अंदर कुछ स्किल्स होना चाहिए भाई। लीडर कौन है, इसके अंदर ये सब खूबी है। पर्सनैलिटी क्या दिया है? पर्सनैलिटी मतलब फिजिकल अच्छा होना चाहिए दिखने में, बॉडी वॉडी, मेंटल, दिमाग, सोशल, मतलब लोगों से रहन सहन मिलना, है ना। तो उसको गुड लीडर बोला जाएगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी होना चाहिए लीडर के पास, राइट। ह्यूमन स्किल क्या दिया है? ह्यूमन स्किल्स का मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल, मतलब मस्ट अंडरस्टैंड द फीलिंग इमोशन ऑफ द पर्सन। लोगों की इमोशन फीलिंग समझ में आना चाहिए, है ना। सबॉर्डिनेट जो उसके अंदर काम कर रहा है, जो उसके फॉलोअर है, उसका समस्या का समाधान होना चाहिए, उसके बाद उसको फील होना चाहिए क्या है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? मतलब लीडर वो होता है कि वो गुड कम्युनिकेटर से, मतलब अच्छे से बातचीत करना, बातचीत करके लोगों का दिल जीतना, कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। मतलब लोगों को एक तरफ से अपने वश में करना, इन सिंपल बाटली में उतारना, राइट, अपने तरफ लेके आना। तो हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू अंडरस्टैंड द कंपनी ओवरऑल, मतलब जो कंपनी का लीडर होता है बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज़ की बातें सुनना चाहिए, अपनी बातें उनको बताना चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स मीन्स होता है टू अंडरटेक मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब जो भी मैनेजमेंट फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब काम उसको करना आना चाहिए कंपनी में, ना। डिसीजन मेकिंग, कंपनी का जो भी प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम क्रिटिकल केस में उसको डिसीजन लेने आना चाहिए। प्रॉब्लम हो गया और बोलता है हमका नहीं मालूम, तुम करो, तो नहीं चलेगा ना भाई। तू लीडर है भाई, तेरे को डिसीजन लेना आना चाहिए ना। अभी जैसे रोहित शर्मा कैप्टन है, तो कुछ भी रहता खुद डिसीजन लेता ना, कभी बोलता भाई मेरे को नहीं मालूम, मैं जा रहा हूँ घर पे, ऐसा नहीं बोलता, डिसीजन लेना आना चाहिए, उसको लीडर बोलते। क्या बोलते? कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है दिमाग, भेजा, भेजे के अंदर जो उसको सर के अंदर भेजा है, भेजे का सही इस्तेमाल करके नया आइडिया लाना चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल आर रिक्वायर्ड टू विजुअलाइज एनालाइज द प्रॉब्लम इन सिचुएशन, विजुअलाइज करना, इमेजिन करना। टॉप लीडर के पास ये होता है, टॉप लीडर होते हैं ना कंपनी में, उनके पास ये स्किल्स होता है। अलग अलग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को, मतलब एक दिमाग लगा के आइडिया लेके आके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना। क्रिएटिविटी, इनोवेटिव मतलब नया दिमाग लेके आना, डायनेमिक होना, नया प्रोडक्ट, नया तरीका, नया स्टाइल, नया टेक्नोलॉजी लेके आना। इनिशिएटिव मतलब इंटरेस्ट पैदा करना लोगों के अंदर, क्या पैदा करना? ही शुड बी इन पोजिशन टू डू दी राइट थिंग एट राइट टाइम विदाउट बींग टोल्ड बाई अदर, मतलब खुद सब काम खुद में करना चाहिए, लोगों के अंदर एक इनिशिएट करना चाहिए। कुछ भी काम है पहले खुद शुरुआत करेगा तो लोग उसके पीछे जमा हो जाएंगे। तो लीडर वैसा होना चाहिए, कुर्सी पर बैठ के हुक्म नहीं करना चाहिए, काम में वो भी पार्टिसिपेट करके इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंस होनी चाहिए, मतलब स्मार्ट होना चाहिए। एथिक्स, सही और गलत की समझ होनी चाहिए और सही काम करना चाहिए, सही गलत और क्या काम करना चाहिए, सही। रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये नहीं कि लीडर बन गया, कुर्सी मिल गई तो सबको गाली गलौज से बात करे, सबको नीचा दिखावे, नहीं। वो हर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट देगा तो रिस्पेक्ट मिलेगा ना यार। लीडर है और रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो मतलब नहीं है लीडर का। डेलीगेशन, दूसरे को काम, खुद सब काम खुद नहीं करना चाहिए, कुछ काम का भी बांट देना चाहिए ना यार, ताकि सबॉर्डिनेट्स को भी सीखने का मौका मिले। एप्रिसिएशन, जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करो। और सक्सेस, देखो लीडर है ना उसको दोनों मिलता है, काटा छापा, कामयाबी और फेलियर, सक्सेस भी। तो पहले फेलियर से गुजरता है फिर उसको सक्सेस मिलता है, वो दोनों को देख के सीखता है। तो दोनों चीज़ डिस्कस करके समझाते हैं। तो ये लीडरशिप का क्या हो गया मालूम है? कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया? उसको क्वालिटीज़ भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अभी लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल है। तो पहला स्टाइल क्या है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल। क्या है? ऑटोक्रेटिक बोला तो हिटलर जैसा। कैसा लीडर है? वो अपने फॉलोअर्स को बोला ना कि अभी जैसे कि अभी रात हो रहा है ना, तो बोला कि अभी सुबह है, तो उसके फॉलोअर बोलेंगे कि सुबह ही है। एकदम स्ट्रिक्ट लीडर होता है ऑटोक्रेटिक, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट। ऑथोरिटेरियन मतलब जो वो सुपीरियर बोला ना, सबॉर्डिनेट्स को काम करना है और ये सबॉर्डिनेट की सुनता नहीं है, ऑटोक्रेटिक होता है, एकदम स्ट्रिक्ट, हिटलर जैसा। एक दूसरा होता है ब्यूरोक्रेटिक। क्या होता है ये लीडरशिप स्टाइल? कैसा है? गवर्नमेंट के यहाँ मिला जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में IAS IPS ऑफिसर, टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा, जितना काम है उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। सिस्टमेटिक होता है। क्या था इनका? सिस्टमेटिक होता है, राइट। और इसमें सबॉर्डिनेट्स की भी नहीं सुनते हैं। और एक होता है कंसल्टेटिव।
ये बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं जो कंसल्ट करते हैं अपने जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ उनकी बातें सुनते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। तो कंसल्ट मतलब पूछना, कंसल्ट करना, अप्रोच करना, तो ये अच्छे लीडर्स होते हैं ना। द लीडर फील दैट दैट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंसल्ट दिस सबॉर्डिनेट, मतलब जो भी डिसीजन लूँ तो सबॉर्डिनेट से मैं एक बार रब्ता करूँ, कंसल्ट करूँ, राइट। ये भी अच्छे लीडर्स है। एक होता है पार्टिसिपेटिव, ये भी बहुत अच्छा लीडर है। ये कंसल्ट के साथ साथ उनके काम में भी हिस्सा लेता है। जैसे कि मान लो कोई इवेंट हुआ, उन लोग सोचे कि समुद्र का किनारा साफ करेंगे, बीच चलो झाड़ू मारेंगे, तो लीडर पहले खुद झाड़ू मारेगा, उठाएगा, काम करेगा, तो उसके पीछे उसके फॉलोअर्स भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसा लीडर को बोलते हैं पार्टिसिपेटिव। क्या बोलते हैं? लेजेस फेरी स्टाइल का मतलब क्या होता है? ये ढीला टाइप होता है। मतलब इन दिस स्टाइल लीडर शेयर्स दी प्रॉब्लम विद दी ग्रुप, ही एक्ट मोर एज ए चेयर पर्सन इन जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव इन सर्च ग्रुप। मतलब नए काम उनके हाल पे छोड़ देता है, सब काम उनको डिसीजन लेने दे देता है, उनको गाइड, मतलब जैसे जमता वैसा करो, एक दोस्ती यारी जैसा। पैटर्निस्टिक स्टाइल क्या होता है? बाप जैसा होता है, फादर जैसा होता है। ये क्या कोशिश करता है कि पूरे कंपनी के अंदर एक फैमिली एटमोसफेयर बने, और मैं हेड हूँ और मैं तुमको समझाऊँ, प्यार भी करूँ, मतलब प्यार भी करता है, चिल्लाता भी है, पैटर्निस्टिक फैमिली एटमोसफेयर जैसा होता है, राइट। कंसर्न मतलब समझाना, डिसीजन, तो आपको रीड करके एकदम ईजी आ जाएगा, राइट। ये रिलेशन कैसा बनाता है? घर जैसा बनाता है। कैसे बनाता है? एक होता है सोशियोक्रेटिक, सामाजिक नेता होता है ना, कार्यकर्ता जो समाज में सबकी भला सोचता है, वैसे लीडर को क्या बोलते हैं? सोशियोक्रेटिक स्टाइल, जो सोशल क्लब में होता है, राइट। और एक होता है न्यूरोक्रेटिक, क्या होता है? ये सेंसिटिव होते हैं भाई, इन लोग को हर हालत में काम चाहिए। जैसे फुटबॉल की टीम के कोच होते हैं ना, भाई जितना है हारना नहीं है, कुछ भी होगा तो कोर्ट फेंकते लोग, है ना। तो दे आर वेरी टास्क ओरिएंटेड, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे वॉन्ट दी थिंग्स टू बी डन एट एनी कॉस्ट, है ना। इमोशनल एसेंट्रिक होते हैं, किसी से राय मशवरा नहीं लेते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं। तो ये सब लीडरशिप के स्टाइल। अभी एक और दिया है, ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल लीडर वो होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से डायरेक्शन देगा, समझाएगा। बट ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफॉर्म करेगा, इंस्पायर करेगा, उसको अपने जैसे बनाने की कोशिश करेगा। ये वैसा नहीं है जो ड्यूटी उसके हिसाब से गाइडेंस देगा, पर ये कैसा है? अपने जैसे बनाने की उसको कोशिश करेगा। जैसे धोनी है, तो धोनी ने कितने सारे लीडर्स क्रिएट किया ना यार, कैप्टन बनाया ना रोहित शर्मा। धोनी जाता तो किसको भी कैप्टनशिप नहीं देता था, खुद ही करता था, हट जाता था, कोई कैप्टन के लायक नहीं होता था, पर उसने क्या कि हर किसी को मौका दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशनल है, क्या है? और एक होता है सिचुएशनल, क्या होता है? मौके के हिसाब से अपना लीडरशिप की स्टाइल बदलेगा, कभी वो ऐसा काम करेगा, कभी ऐसा करेगा, कभी ऐसा करेगा, जैसा सिचुएशन आएगा वैसा वो काम करते रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, ओके। नाउअडेज़ इन वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर फॉलो सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। कैसे फॉलो करते? सिचुएशनल। दिस मीन्स लीडरशिप स्टाइल वेरी डिपेंडिंग अपन द सिचुएशन, कभी वो ऑटोक्रेट होगा, कभी कंसल्टिव होगा, कभी पार्टिसिपेटिव होगा, कभी लेजर्स फेयर होगा, कभी पैटर्निस्टिक होगा। तो ये लीडरशिप के ऊपर टॉपिक था, तुमने अच्छा खासा कवर कर दिया।